बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? बीस किचन में आप सबको करती हूँ वेलकम, और दुआ है रब करीम से कि आप लोग जहाँ पर भी हों अल्लाह पाक की हिफ्ज़-ओ-अमान में हो। तो प्यारे दोस्तों, आज जो रेसिपी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये ऑलराउंडर है, और ये हम एक ऐसे हर तरह का मीठा बना सकते हैं, और इस बैटर को, इस मिक्सचर को आप तकरीबन सारे ही मीठों में इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका जो स्वीट डिशेज हैं वो बहुत लजीज़ और आउट क्लास बनेगी। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि हम अपने इस ऑलराउंडर मीठे में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या अच्छा इस्तेमाल करेंगे। तो मेरे पास है ये कोमल, हाफ टिन कोमल मेरे पास है। इसके साथ ही हमने लिया है क्रीम चीज़ के साथ हमने लिया है यहाँ पे हैंकर, जो दही से पानी निकाल के हमने दही को हैंग कर दिया था, और उसका पानी हमने सारा निकालने के बाद इसका ये, और इसके साथ मेरे पास है जेलेटिन, जिनको एक टेबल स्पून को हमने थोड़े से पानी में डिजॉल्व करके रख लिया है और हमने ये बैटर बनाया है चार चीज़ों से। इसमें हमने डाला है कोमल, फ्रेश क्रीम, क्रीम चीज़ और हंकर, जो हमने दही से पानी निकली जो दही होती है उसको हमने शामिल कर लिया है। तीनों को हमने अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लिया है, और इसका अच्छा सा ये बैटर, अच्छा सा ये देखिए कितना स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है, और आप अपनी मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज में इस बैटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम आपको फाइनल प्रेजेंटेशन करके दिखाते हैं, और आप इस बैटर को फ्रूट चाट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको फ्रूट क्रीम के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसको जो मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़र्ट्स बनते हैं चॉकलेट के साथ भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। काफ़ी सारे डेजर्ट्स में, जो स्वीट डिशेज में आप इस बैटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपके मीठे बहुत ही लाजवाब और लजीज बनेंगे। तो हमने अपना मीठा तैयार कर लिया है, हमने इसमें मुख्तलिफ फ्रूट्स का इस्तेमाल किया, हमने इसमें बनाना का इस्तेमाल किया है, साथ ही हमने एप्पल को भी इसमें ऐड किया है, साथ ही उसको हमने स्ट्रॉबेरी भी इस्तेमाल किए हैं, और चॉकलेट से भी हमने इसको सर्व किया है। और आप भी इसी बेसिक बैटर से अपने मीठों को बहुत लजीज और यम्मी बना सकते हैं, और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और बस अगर आपने इसको ब्लेंडर में करना है तो आप इस तरीके एक जरी ले लीजिएगा, उसको भी ब्लेंडर में डालकर ब्लेंड कर लीजिएगा तमाम मज़ा को, उसके बाद ये आसानी से जम जाएगा। और अदरवाइज़ अगर आपका दूसरा ऑप्शन जो है वो आप जेलेटिन ले लेंगे, और एक चम्मच जेलेटिन को दो चम्मच पानी में डिजॉल्व करके ऐड कर देंगे, तो ये आपका बैटर बहुत अच्छे तरीके से फ्रिजर में सेटल डाउन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपना रखिएगा ध्यान रखा, और मुझे रखिएगा तो हमें याद आना। हाफिज़।